किस को ये समझ में आया मुझे बताना या नहीं आया कि मैंने बोला ना कि मुझे जियान जैसा फीलिंग हो रहा है। हाँ मुझे याद है, मैं बिल्कुल नहीं भूली। और ये मैंने ना बनाया था विकास के बारे में कि सुबह को, मतलब लास्ट ब्लॉग में बोला था कि सुबह को अर्ली मॉर्निंग उससे बात हुआ था, उसके बाद रात को 9:30-10 बजे के करीब बात हुआ। जो सुबह निकला था उसके बाद अभी वापस घर पहुंच रहा हूँ। हाय गुड मॉर्निंग सबको, मैं विंडो के पास आके खड़ी हूँ क्योंकि मैं दिखाऊंगी पहला स्काई। कॉटन कैंडी जैसे मैं बोल रही थी बिल्कुल भी उससे कम नहीं है, और मुझे लग रहा है ना एलिस इन वंडरलैंड वाला वो फीलिंग आ रहा है। एनीवे इसी को मैं बोल रही थी ना कि दुर्गा पूजा आने के टाइम स्काई जो है इतना ब्यूटीफुल लगता है। इन ऊपर सोया था उसका बेड में नीचे आ गया क्योंकि फैन जो है बंद है। आगे की मैं लंच बोल रही हूँ, ब्रेकफास्ट करूंगी। और मैं अभी क्या करूंगी पता, ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं देखूंगी डोरेमोन। यार मैं अच्छा खासा दिन हो गया, मैं ऐसा कुछ नहीं देखा जो मुझे पसंद है जैसे डोरेमोन और एनिमल प्लैनेट। एनीवे तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, वही देखूंगी। और पता है कल से मुझे क्या फीलिंग हो रहा था, मुझे ना जियान वाला फीलिंग हो रहा था, आई स्वेयर। और मैंने विकास को कॉल किया तो, और बाय द वे ये जो मैंने अभी बोला कि जियान जैसा फीलिंग हो रहा है, जब मैंने डोरेमोन का एक वीडियो अपलोड किया था, अपलोड इन सेंस उसका गैजेट के बारे में ऐसा कुछ, जाके देखना अगर नहीं देखे हो तो। मतलब मेरे ही फ्रेंड लिस्ट से यार इतना जन मुझे बोला है कि डोरेमोन डोरेमोन लाइक व्हाट इट इज। पर अच्छा किसी ने बोला क्या सच में आपके पास है? मैंने तो ऑलरेडी वीडियो में दिखाया कि सच में, और ऐसा नहीं कि नया है, बहुत पुराना है। तब हम लोगों को नाम भी नहीं पता था, तब तो इंटरनेट भी नहीं था। बॉल जो है वो गिर के ना यार उसका प्लास्टिक सर्जरी हो गया। सो एनीवे मैं अभी डोरेमोन देखूंगी। और किस किस को ये समझ में आया मुझे बताना या नहीं आया कि मैंने बोला ना कि मुझे जियान जैसा फीलिंग हो रहा है। अभी कुछ देर पहले दिखाया था कि इतना क्लियर क्लाउड्स है, क्लाउड्स बोल रही हूँ, इतना क्लियर स्काई है, अभी भी है पर सी बारिश होना स्टार्ट हो गया है। ओ शिट, इधर पे क्लाउड्स है, इधर पे अभी तक आया नहीं है पर हाँ थोड़ा थोड़ा तो है। ये मेरा मीनी सो रहा है ना मम्मा। ये उसका फेवरेट प्लेस है पता नहीं क्यों। और ये मैंने ना बनाया था यू नो ओल्ड बेडशीट से तो मैंने उसको दे दिया ना, तो ये ना यू नो गद्दा जैसा होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट है ना। और ये मेरा वॉलेट नीचे है, पता नहीं क्यों रखा नीचे। लंच किया और बैठ के ना मैं मूवी देख रही हूँ, और बैठ के मुझे बहुत जोर का नींद आ रहा है यार, मैं बता नहीं सकती, मेरा आँख देख के समझ में आ रहा था। अब बाहर का सीन क्या है पता है, बारिश हो रहा था, अभी कितना स्ट्रॉन्ग धूप उठा है, आज जरा देखिए धूप। मैंने क्या किया, नींद भगाने के लिए मैंने सोचा थोड़ा फ्रूट्स खा लेती हूँ, इसी बहाने फ्रूट्स खाना भी हो जाएगा क्योंकि बहुत दिनों बाद ना मेरा घर में फ्रूट्स आया क्योंकि अच्छा कुछ मिल नहीं रहा था, तो सोचिए फ्रूट्स भी खा लूँगी और शायद इस चक्कर में मेरा नींद भी चला जाए। अच्छा लास्ट टू लास्ट वीडियो में ना मैंने दिखाया था कि मैंने चिकन बनाया था, तो कोई कोई मुझे बोला कि आपने चिकन बनाना दिखाया, फिर आपने बोला कि दिखाएंगे पर पूरा नहीं दिखाया। हाँ मुझे याद है, मैं बिल्कुल नहीं भूली, एक्चुअली मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया उसमें, क्योंकि वो व्लॉग जितना हुआ था ना उसके बाद अगर रेसिपी दिखाती तो थोड़ा और बड़ा हो जाता, तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं है, इतना बड़ा नहीं करते हैं।
और नेक्स्ट व्लॉग में उसको दिखाऊंगी, तो इस व्लॉग में आप देख लीजिए। ये मेरा घर में बनाया हुआ गरम मसाला है। दही में यूज करूंगी मैरिनेशन में और कुकिंग में भी, सो मैं काइंड ऑफ हाफ में दे दूंगी और हाफ में रख दूंगी जो मैं ग्रेवी में यूज करूंगी। इधर पे मैरिनेशन हो गया, बस मैं कवर करके रख दूंगी और ग्रेवी बनाने में इजी भी होगा, सब कुछ रेडी होगा। ये रहा मेरा मैरिनेटेड जो चिकन था, इसमें ना कोरिएंडर लीव्स भी मैंने ऐड किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट देने के बाद मैंने अभी जस्ट अनियन जो है स्लाइस करके दिया है। ओह शिट, मैं ये अनियन स्लाइस ही नहीं किया, समझ ही नहीं पाई। सो मैंने ऑनियन को उठा के दोबारा जो है स्लाइस किया, अदरवाइज वैसा तो होगा नहीं। इसमें ना मैं क्या करूँगी, ऑनियन को मैं थोड़ा ब्राउन करके मैं उसको फ्राई करूँगी अनटिल इट्स गेट्स दैट ब्राउन कलर। मैं नेक्स्ट उस पर कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। सो ऑनियन जो है पूरा ब्राउन हो गया है, इसको मैं और ब्राउन नहीं करने वाली हूँ, दिस इज एनफ। यहाँ पे मसाला अच्छे से हो गया, कलर भी चेंज हो गया और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया। आई एम एडिंग हियर बीटन योगर्ट, साथ ही साथ मैंने कैजू जो है 6 मैंने कैजूस लिया था, उसको भिगो के रखा था, उसको भी पेस्ट करके मैंने एक ही साथ में दे दिया। मसाला हो गया, ऑयल जो है आप देख पा रहे हो सेपरेट हो गया है, दूंगी जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा था उसको। इसको मैं लीड से कवर करके ऐसे रख दूंगी। अभी बस 5 मिनट में लीड से कवर करके रखी थी, उसके बाद मैंने चॉप ग्रीन चिली ऐड कर लिया है। आप चाहो तो स्लीट करके दे सकते हो, आपको लग रहा है बहुत ग्रीन चिली है, बिकॉज इसमें मैंने चिली दिया ही नहीं था। तो बस चॉप किया तो यू फील लाइक बहुत है, उतना नहीं है, पर हाँ फ्लेवर जो है थोड़ा सा हॉट होगा। इधर पे आप देख रहे हो मैंने इसको कवर करके रखा था ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट्स। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली समथिंग, जो ग्रीन चिली आप देख रहे हो साथ में जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स डाला, आई स्वेयर जो अरोमा इसका आया है, विकास होता तो सच में मुझे चूम लेता। और एक्चुअली ये रेसिपी ना मैंने ऐसे करके ये पहली बार बनाया, सो फॉर मी ऑल्सो इट्स वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड टिल नाउ। तो अभी पी चिकन जो है, एक मिनट, चिकन जो आप देख पा रहे हो थोड़ा सा कुक हुआ, सो और भी कुक होगा, इसको मिक्स नहीं करे, फिर से मैं इसको कवर देके और कुक करूँगी समवट अराउंड 10 मिनट्स। चिकन इधर पे कम्प्लीटली कुक हो गया है और इधर पे मैंने बिल्कुल भी एडिशनल कोई भी पानी नहीं दिया है, जो भी चिकन के से पानी रिलीज किया पानी में पूरा मैंने कम्प्लीटली चिकन को कुक किया। नाउ आई एम गोना ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर और मैं फ्लेम जो है गैस का वो मैं थोड़ा हाई कर दूंगी, क्योंकि लो फ्लेम में मुझे अभी कुछ नहीं करना, जस्ट वॉन्ट ग्रेवी थोड़ा और स्मूथ होके कंसिस्टेंसी जैसा है ना बटर चिकन का वैसा वाला होगा। एंड फाइनली इट्स डन, चॉप्ड कोरिएंडर मैंने ऐड किया है एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ एडिंग लाइक कसूरी मेथी, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई चेक्ड, क्योंकि मेरे पास था वो एक्सपायर हो गया, सो मैंने वो चेक नहीं किया, अभी देने के टाइम मैंने चेक किया तो एक्सपायर हो गया। बट प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी इसमें कसूरी मेथी एंड में, जब मैंने ये कोरिएंडर दिया है कोरिएंडर साथ में, आप कसूरी मेथी ज़रूर दीजिएगा। एंड मैंने गरम मसाला थोड़ा ऐड किया है, दैट्स इट एंड इट्स कम्प्लीट नाउ। इधर पे दिखाई, मैं खुद एक चीज देना भूल गया ड्यूरिंग मैरिनेशन टाइम, आप विनेगर या लेमन जूस दे हो, मतलब देना, मैं बोलूंगी दे सकते हो, नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि आप देना, वो क्या होगा ना उससे फ्लेवरफुल भी होगा चिकन जो है वो और टेंडर होगा। तो मैरिनेशन के बाद जब वो कुक होगा फाइनली फाइनल रिजल्ट में बहुत डिफरेंस आएगा, जो मैं पर्सनली भूल गई एंड मुझे बाद में रियलाइज हुआ, तो मैंने ये आप लोगों को बोल दिया, सो यू गाइस शुड नॉट मिस इट। मैं बोल रही थी कि विकास के बारे में कि सुबह को, मतलब लास्ट व्लॉग में बोला था कि सुबह को अर्ली मॉर्निंग
उससे बात हुआ था, उसके बाद रात को 9:30-10 बजे के करीब बात हुआ। तो सच बोलूँ तो बहुत जन बोल रहा है कि यू नो जो कपल व्लॉग है या आप दोनों का एक साथ का है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक सम ऑफ यू गाइज आर मिसिंग इट, बट आई एम वेरी सॉरी, पर मैं फिलहाल तो सिचुएशन यू गाइज नो। तो मैंने उसको बहुत यू नो बोल के बोला कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना थोड़ा सा मुझे क्लिप भेजो ताकि मैं अपने वीडियो में ऐड कर पाऊँ। जो सुबह निकला था उसके बाद अभी वापस घर पहुंच रहा हूं। सुबह 7:30-8:30, 7:30-8 बजे निकलते हैं, 8 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर अभी वापस आ रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं, गर्मी है काफ़ी, सो नाउ गोइंग होम। So, ये था उसका सिचुएशन। आप लोग को बातों से जैसे वो बात कर रहा है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है कि सिचुएशन मतलब ही वॉज सो डैम टायर्ड। तो या छोटा सा मैंने क्लिप बोला, वो भी देखता है कमेंट तो वो भी मुझे बोलता है, पर एक्चुअली बात ये है ना कि काम करके दूसरा चीज भी रहता है खाना बना के और बहुत सारी चीजों में ना, तो अकेले रहने से जो होता है, मेरा भी सेम ही हाल है। बट आई विल ट्राई के उसको बोलूंगी कि कभी कभी कुछ क्लिप मुझे भेजने के लिए ताकि मैं वो वीडियो में ऐड कर पाऊँ। ये वीडियो देख के विकास का आई रियली होप कि आप लोगों को थोड़ा सा यू नो अच्छा लगा है। जो लोग आप लोग स्पेशली बोल रहे हो कि ना एक साथ ब्लॉग मिस कर रहे हो, विकास भैया कहाँ है या विकास कहाँ है, ये सब चीजें, आई होप थोड़ा सा तो वो कम हुआ होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट के यू नो कि उसको या विस्की को या दूसरे यू नो फैमिली मेम्बर को कैसे मैं थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर पाऊँ। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा है, व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कुछ भी और स्पेसिफिक देखना हो तो, और कैसा लग रहा है ये भी, और अपना व्यू भी ज़रूर दीजिएगा। और अच्छा, कोई कोई मुझे बोलता भी, मुझे याद आया दिस थिंग, लाइक वो मास्क के नीचे वो लाइन क्या, एक्चुअली दैट्स नॉट अ लाइन, हम लोग जब नहीं थे ना वहाँ पे एक वॉल क्लॉक था, सो वो वॉल क्लॉक के अंदर जो बैटरी था ना वो लीक होके यू नो वो केमिकल जो है वैसे करके हो गया, पर उसको कैसे मिटाएंगे आई डोंट नो। जो पेंट वाले जो मेरे घर में जो पेंट किया भैया, सो उनको कांटेक्ट करना है, पर इस हाल में तो नहीं होगा, सो लॉकडाउन के बाद ही होगा। गुड नाइट गाइज एंड आई डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड लव।